गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए आज का जो हमारा अध्याय है स्पीड एवं वेलोसिटी, मतलब चाल एवं वेग। इस अध्याय पर इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम औसत वेग के बारे में पढ़ते हैं या औसत चाल के बारे में पढ़ते हैं, तो औसत चाल के उदाहरण क्या है उसको हम देखते हैं। तो एक बात तो हमने दिखाया कि आघात चाल, स्ट्रोक स्पीड क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि क्रैंक बनाया गया है और एक पिस्टन मतलब का ब्लेड है। तो ये जब क्रैंक पिन है ये एक चक्कर घूमता है, उतने देर में ये जो टॉप ब्लेड है यहां से जाती है और यहां तक आ जाती है। तो अगर ये जो टॉप ब्लेड है, अगर इसका ये पूरा लेंथ एस मान लिया जाए, तो जो क्रैंक पिन के है अपने एक चक्कर में ये यहां से जाता है फिर यहां चला आता है। इसका मतलब कि जब ये एक चक्कर कर रहा है तो ये टॉप ब्लेड कितना घूम जा रहा है, 2S घूम जा रहा है। तो यही हमने परिभाषा यहाँ पे लिखा भी है कि क्रैंक पिन के बिंदु के, मतलब क्रैंक पिन का बिंदु के ये हो गया कि एक चक्कर में पावर टॉप ब्लेड, ये जो आपका पावर टॉप ब्लेड है, द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी। क्योंकि ये जब एक चक्कर करता है तो उतने में ये यहां से यहां आ जाता है और केवल इतने तक की दूरी, मतलब एक बार जाने की दूरी S है, तो आने तक की दूरी कितना हो जाएगी, 2S हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एक चक्कर घूमने में टॉप ब्लेड कितनी दूरी घूम लेता है, 2 × S। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 नहीं है, अंग्रेजी का अक्षर S है, S को हमने दूरी के लिए प्रदर्शित किया यहाँ पे। अब इसलिए अगर क्रैंक पिन n चक्कर प्रति मिनट घूमता है, क्योंकि क्रैंक पिन का आपको जो घूमने का दर है ये गुल गुल घूम रहा है, तो RPM में देगा, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट देगा कि कितना चक्कर एक मिनट में काट रहा है। तो मान लीजिए कि जो क्रैंक पिन है वो n चक्कर एक मिनट में घूम जा रहा है, तो पावर टॉप ब्लेड कितनी दूरी घूम जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको पता है कि एक चक्कर में कितना घूम जा रहा है, 2S, तो n चक्कर में कितना घूम जाएगा, 2S × N। अब चूंकि औसत जो गति है, औसत गति को ज्ञात करने के लिए ब्लेड का स्ट्रोक मीटर में दिया जाएगा, इसका मतलब Vm बराबर कितना हो जाएगा, 2 × S × N। अब हम क्या करेंगे, पिस्टन की चाल निकालेंगे, पिस्टन की स्पीड कितनी होगी। तो पिस्टन की स्पीड के लिए देखिए, क्योंकि पिस्टन आगे एवं पीछे की ओर घूमता है, जैसे ये जो पिस्टन है अगर ऐसे ऐसे आगे 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 और पीछे की तरफ घूमता है, इसी लंबाई में एक बार यहाँ जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, इसी लंबाई में इसकी गति क्या है, बदलती रहती है। तो क्योंकि पिस्टन आगे एवं पीछे की ओर चलता है, इसकी गति सतत ऊपरी और निचले बिंदु के बीच निरंतर बदलती रहती है, अतः इसमें भी औसत चाल Vm बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जो औसत चाल निकालेंगे पिस्टन की, तो कितना हो जाएगा, Vm बराबर 2 × S × N। अब अगर ऐसा हो कि जो आपका S है वो mm में दिया गया हो, मतलब मिलीमीटर में दिया जाए, और N जो है मतलब क्रैंक पिन का जो चक्कर है रिवोल्यूशन, वो चक्कर प्रति मिनट में दिया जाए, तब Vm बराबर क्या होगा। और Vm मान लीजिए आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो, तो Vm बराबर हमने तो पढ़ा ही था कि Vm बराबर 2 × N × S होता है, लेकिन Vm आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है और n आपका चक्कर प्रति मिनट में दिया है और s आपका m में दिया है, तो सबको एक मात्रक मिलाना होगा। तो क्योंकि Vm का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और Vm बराबर होता है कितना है, 2 × N × S होता है, तो n आपका चक्कर प्रति मिनट था और s किसमें था, mm में था, तो s को अगर आप मीटर बदलना है तो 1000 का भाग दे दिए, तो अब आपका Vm मतलब औसत चाल कितना हो जाएगा, 2 × S × N बटे में 1000 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो आपका जो चक्कर प्रति मिनट है उसको भी किसमें बदलना होगा, मीटर चक्कर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो ये 2 × S × N बटे में 1000 तो था ही, और जो एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, तो एक मिनट की जगह पे हमने क्या रख दिया, 60 रख दिया। अब ये जो आपका एवरेज स्पीड मतलब औसत वेग के लिए, औसत वेग आप पिस्टन का निकाल रहे हैं, तो Vm आपका जो औसत वेग है उसके Vm बराबर कितना हो जाएगा, 2 × S × N बटे में 1000 × 60। तो ये आपका जो है औसत वेग के लिए सूत्र हो जाएगा। अगर आपका औसत वेग पिस्टन का औसत वेग मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 × S × N बटे में 1000 × 60।
यदि एस मीटर में दिया जाए तो आपका जो है वीएम बराबर 2 × f × n बटे में 60 होगा। मतलब आपका जो ये पिस्टन की जो लंबाई है, अगर ये एस जो है मीटर में दिया होगा तो फिर उसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं होगी, तो 1000 से भाग देने की जरूरत नहीं होगी। तब आपका जो औसत वेग हो जाएगा पिस्टन का वो कितना हो जाएगा, वीएम बराबर 2 × f × n बटे में 60। और 2 × f को हम क्या बोलते हैं, 2 × f क्या दर्शाता है, ये दोहरा स्ट्रोक दर्शाता है। अब इसी पे एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन प्रेस है, एक एक्सप्रेशन प्रेस के क्रांक की स्थिति, मतलब एक जो एक्सप्रेशन प्रेस के क्रांक की स्थिति दिया गया है और उसके बारे में क्या बताया गया कि त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, और आपका जो है आरपीएम उसका दिया गया 30 मिनट दिया गया, मतलब आपका जो क्रैंक है वो 30 चक्कर घूम जाता है एक मिनट में। अगर आप इसी को उदाहरण मान लेते हैं, इस प्रश्न के लिए इसी को उदाहरण मान लेते हैं, तो इसमें दिया गया है कि एक एक्सप्रेशन प्रेस के क्रांक की स्थिति त्रिज्या आपको दे दिया गया है, ये अगर इस तरह से घूम रहा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये इतना भाग त्रिज्या होगा, तो आपको त्रिज्या दे दिया गया है कि ये जो है 20 सेंटीमीटर का है, और ये एक मिनट में कितना चक्कर घूम जाता है, ये एक मिनट में आपका 30 चक्कर घूम जाता है। तो औसत चाल की गणना करना है, दो भाग में निकालना है, मीटर प्रति मिनट में निकालना है और मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो इससे पहले जो हमने आपको डेरिवेशन करके सिखाया है, जो सिद्ध करके सिखाया है कि औसत चाल कैसे निकालेंगे पिस्टन की, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, वीएम बराबर 2 × s × n बटे में 1000, ये किस में आएगा, मीटर प्रति मिनट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या को हमें किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो सबसे पहले अगर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 40, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है, तो और व्यास के बराबर ही क्या होगा। अब अगर इसका व्यास हमें दे दिया जाता कि इसका व्यास इतना है, तो जो इसका व्यास होता वही इसका क्या होता, एस होता। तो हमें त्रिज्या इसका दे दिया गया है और त्रिज्या को हम डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, व्यास, और व्यास ही क्या होता है, पिस्टन की लेंथ होता है। तो हमें व्यास पता है कि व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो एस बराबर कितना आ गया, एस बराबर भी व्यास के बराबर ही होगा, तो एस बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब क्रांक का एक चक्कर पिस्टन को 2s, क्रांक का एक चक्कर पिस्टन को 2s घुमाएगा, तो वो कितने के बराबर होगा, 80 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई आपका जो क्रांक जब एक चक्कर घूमता है तो ये कितना घूम जाता है, 2s के बराबर घूम जाता है। तो वीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 × f × n बटे में 1000। तो s का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 40 सेंटीमीटर था तो उसको हमने किस में बदल लेंगे, पहले मिलीमीटर में बदल लेंगे, तो 40 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलेंगे तो 10 का और गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 2 और ये क्या है, s है, और ये क्या है, n है, ठीक है, और n के बटे में क्या हमने लिख दिया, 1000। तो 2 × 400 × 30 बटे में 1000, इसको हम हल कर रहे हैं तो कितना जाएगा, 24 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब कि ये जो आपका प्रश्न दिया गया है उसके लिए औसत चाल कितनी आ गई, औसत चाल आपकी जो आ गई वो 24 मीटर प्रति मिनट की आ गई, औसत चाल 24 मीटर प्रति मिनट की आ गई। अब आपको ये निकालना है कि इसकी जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो अगर हमने मीटर प्रति मिनट में निकाल लिया है तो मीटर प्रति सेकंड में भी निकालना आसान है, एक मिनट की जगह पे अगर हम 60 रख देंगे तो 24 से 60 का भाग दे देंगे, यही तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर हम जो यहाँ तो सीखे हैं कि अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 × s × n बटे में 1000 × 60। तो ये करेंगे तो 2 × 400 × 30 बटे में 1000 × 60। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 10.4 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो आपका क्रैंक पिन और पिस्टन का हमने उदाहरण लिया है, इसको हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है आपका क्रैंक पिन और पिस्टन के लिए जो है, जैसे हमने आपको उदाहरण दिखाया है, आप देखिए कि ये जो क्रैंक पिन है ऐसे सर्कुलर में घूम रहा है और आपका जो पावर का ब्लेड है एक लीनियर रैखिक गति में घूम रहा है। तो जब क्रैंक पिन एक चक्कर घूम जाएगा तो आपका जो पावर का ब्लेड है उतने में 2s के बराबर घूम जाएगा, और s क्या है, पिस्टन की अगर हम लंबाई को मान लें
उसको लंबाई कहेंगे, या पावर से सब ब्लेड की लंबाई जिसको कह लीजिए। आप देखिए इस चीज को, जैसे ये जा रहा है, जब ये एक चक्कर पूरा जाएगा ना, तो यहां से जाकर के यहां चला रहा है, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस उदाहरण को एकदम सटीक बता रहा है कि अगर देखिए यहां पे जब था ये वाला हिस्सा, आज हम इस क्लास में बस इतना ही पढ़ा रहे हैं आपको, इस तरह के प्रश्न जो है कल आपको एक्सरसाइज में कराए जाएंगे, और इससे जितने भी नीमी की किताब में प्रश्न हैं या परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो सारे प्रश्न हल कराए जाएंगे। आप इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।